तो ये सैमसंग की जो पीसीबी आप देख रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम बहुत बार बन चुकी है। तो इसकी वीडियो मतलब बहुत बार बना चुका हूँ। देखिए, अभी मैं स्टार्ट किया, पावर ऑन किया और स्टार्ट किया, अभी नहीं चलेगी, आप देख रहे हैं। और अभी अभी देखिए चलेगी, क्यों चलेगी तो देख लीजिए, ये देखिए। और ये रहे, 1 मिनट, ये देखिए, अब देखें, अभी ये सेंसर नहीं लगा है, पीएर आने लगा। इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम वो है इसकी रिले की। ये जो रिले है, ये जैसे ही हम इसे स्टार्ट करेंगे, होना क्या चाहिए कि ये जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो ये रिले ऑन होनी चाहिए, और ऑन होगी तो ये तरफ से सप्लाई पास होती है, और जब सप्लाई पास होती है तो उसके ज़रिए डायोड से 100 किलोहर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी होती है माइक्रो कंट्रोलर तक आती है। इसके बाद ये फंक्शन करती है। ये इसीलिए बनाया गया है कि जब तक इस पे सप्लाई ना आए, ये रिले ऑन ना हो, ऐसा ना हो कि आपने प्रोग्राम दे दिया, प्रोग्राम हो रहा है, ना पानी लिया ना वाश किया, और टाइम पूरा हो जाए और लास्ट में घंटी बज जाए कि हाँ काम हो गया। तो इसके लिए ऐसा बना है। तो इसमें अभी मेन रिले की जो ट्रैक बने हैं ना, वो ट्रैक गल गया होगा। तो मैं इसे कटिंग करूँगा, यहाँ से मैं कटिंग करता हूँ, क्योंकि यहाँ से पास होकर के ऐसे आया है तो इतने में ही होगी। तो मुझे यहाँ से इसको पूरा कट करना पड़ेगा, और कट करके देखते हैं कि कितना छोटा और कैसा इसके अंदर फॉल्ट है। तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर दिया, और एक ग्लू है इसे निकाल लेते हैं और देखते हैं। तो ये ट्रैक कुछ ये वाला, यहाँ पे ये जो आया है ट्रक के लिए यानी इसकी रिले की कॉइल पे, तो ये सड़ा सड़ा लग रहा है। तो ये कि यहाँ से और यहाँ पे जम्पर मैं करता हूँ इस वायर को, नहीं होता है तो इस ट्रैक को देखता हूँ कहाँ पे गया, वहाँ से डायरेक्ट जम्पर यहाँ तक देते हैं, फिर स्टार्ट करके देख लेते हैं। इसमें यही होता है कि थोड़ी सी सीलन चली जाती है, ये इस पीसीबी में ज़्यादातर फेल होता है, तो ये ट्रैक सड़ जाता है, और यहीं से इस कैपलर पे भी आती है सप्लाई। तो कभी भी कटिंग करिए तो ये वाले पार्ट को ही कटिंग करिए, तो आपको आसानी से मिल जाएगा कि ये दोनों यहीं पे मिल जाते हैं। और निकालते समय ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये आईसी टूटेगी। अगर ज़्यादा गहराई में आपने पूरे देंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, इसको बहुत सावधानी से। तो यहाँ पे जो ट्रैक है ये बहुत बुरी तरह से सड़ गया है, मतलब कहीं भी इधर जॉइंट नहीं हो पा रहा था। तो मैंने यहाँ से और यहाँ तक एक ट्रैक अलग से वायर के ज़रिए कनेक्ट कर दिया। तो अब देख लीजिए, अब तो हो ही गया, इसमें दिखाने की बात क्या है। तो यही रहता है, इसमें तो ज़्यादा यही रहता है। तो चलिए, इसमें हो गया ये, अभी इसको पैक कर देते हैं। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।